नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे हर राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें और लाइक करें ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले मिले आपको। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा का जाने बच्चों द्वारा हाल। वर्ष 2023-24 की हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षा विगत वर्षों से एक माह पूर्व होने जा रही है, जो 5 फरवरी से चालू हुई। शासन ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह परीक्षा एक माह पूर्व आयोजित की, लेकिन क्या बच्चे इस परीक्षा में अच्छा परिणाम दे पाएंगे या नहीं, यह हम बच्चों से रूबरू होकर जानेंगे। शासन द्वारा पिछले साल में आए हुए परीक्षा परिणाम बहुत ही कमजोर दिखा। अब इस वर्ष एक माह पूर्व होने वाले एग्जाम में यह रिजल्ट अच्छा होता है या पिछले वर्ष को दोहराते हुए कम होने की स्थिति में होगा। इस बार शासन द्वारा परीक्षा में कड़ाई का रुख देखने को मिल रहा है, जिसमें एक क्लास में कुल 20 बच्चों को बैठने की व्यवस्था की। साथ ही साथ पेपर किसी भी हिसाब से लीक ना हो, इसके लिए बच्चों के सामने ही पेपर ओपन होंगे और 3 घंटा पूरा होने के बाद ही किसी भी बच्चे को परीक्षा हॉल से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। साथ ही साथ बच्चों को जरूरी होने पर उसके पेपर वहीं जमा कर उसे बाहर जाने दिया जाएगा। कॉपी में बारकोड की व्यवस्था की गई है। परीक्षा चालू कराई गई है, उसका मुख्य कारण है लोकसभा चुनाव। आइए, एक महीना पूर्व हम विद्यार्थियों से रूबरू होते हैं, उनका पेपर कैसा गया, क्या उनको दिक्कत आएगी या पेपर में आएगा। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप लोग यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ किसी प्रकार की अंदर समस्या तो नहीं आ रही है? नहीं, इसी प्रकार बैठने में किसी भी तरह परेशानी में? धन्यवाद। आपका नाम? मोनिस। आपका नाम? अतुल कुशवाहा। कन्याशाला में आप लोगों का सेंटर है। जैसे आपकी परीक्षा एक महीने पहले हो रही, क्या आपकी प्रॉपर तैयारी हो चुकी है? हाँ, वो पहले से कंफर्म। कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं। पेपर आप लोगों का बढ़िया जा रहा है? तो क्या आप लोगों का जो रिजल्ट है पिछले साल से, जो बीते वर्षों में आपका रिजल्ट 40% आया था ट्वेल्थ का, इस बार उससे अच्छा आएगा? अच्छा आएगा। अच्छा, आप ये हमें बताइए, अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को? क्योंकि मैंने कई बच्चियों से सुना कि उनको टेबल डेस्क नहीं मिल रही है, उनको फट्टियों में बैठने मिल रहा है। हाँ। तो उसका भी कोई इशू आ रहा है क्या, कि लिखने में दिक्कत जा रही हो? कोई इशू नहीं है। आपका नाम बेटा? दीक्षा। धन्यवाद। इस बार आप लोगों की परीक्षा एक महीना पहले हो रही है। आज आपका किस किस चीज का पेपर था? आप लोग कौन क्लास के बच्चे हो? हम लोग 12th क्लास की हैं, साइंस। और आज हमारा कैसा रहा पेपर आप लोगों का? जैसे कि आपका पेपर एक महीना पहले होने जा रहा है, तो उससे कोई आप लोगों को समस्या आ रही है या पढ़ाई में आपका कम रुझान हो या आपका